मीठे बोल। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग एक में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि हमारे मीठे बोल यानी हमारी मीठी बोली कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मीठी होती है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कविता से, कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? तो कविता में कई मिठाइयों के बारे में बताया गया है, जैसे खस्ता खाजा, हलवा, गट्टे, शक्करपारा, पुआ सुवारी, कुसली, रसगुल्ला आदि। सबसे मीठा किसे बताया है और क्यों? इतनी सारी मिठाइयों के बावजूद भी कवि ने सबसे ज्यादा मीठा किसको बताया है? सबसे मीठा बोल बताया है, यानी हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों को बताया गया है। क्यों बताया है? क्योंकि मीठे बोल अच्छे लगते हैं और सबको अपना बना लेते हैं। आम को निराला क्यों कहा है? आम का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है और वह रस से भरपूर होता है, इसलिए आम को निराला कहा गया है। आपकी बात, आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं, ये बच्चों आप अपनी पसंद के अनुसार बताओ। जैसे मुझे आम, सेब, अमरूद, चीकू आदि फल मीठे लगते हैं। यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा, बताओ? यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दें तो संसार में हर तरफ भाईचारा होगा और शांत माहौल बना रहेगा। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि सारा खेल तो हमारी इस मीठी बोली का ही है। हम जितना मीठा बोलेंगे उतना ही सब हमसे प्यार से बात करेंगे, जितना हम कड़वा बोलेंगे उतना ही लोग हमसे दूर रहना चाहेंगे। मर्जी आपकी है। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा होगा, सोचो। आपने देखा होगा रसगुल्ला है ना, हमेशा चाशनी में डूबा रहता है, तो इसका नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा? ये देखो इस तरह का। तो रसगुल्ला एक तरह का रोल है जिसे चाशनी में पकाया जाता है, बाद में भी उसे चाशनी में ही डूबोकर रखा जाता है और उसी चाशनी को रस कहा गया। जिस चाशनी में डूबा रहता है वह रस है, इसलिए उसे रस में डूबा गुल्ला यानी रसगुल्ला कहा जाता होगा। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है, बताओ बच्चों, हमें मीठा बोलने से क्या क्या लाभ होता है? मीठा बोलने से हमें बहुत से लाभ हैं। मीठा बोलने से सभी मित्र बन जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे व सबसे प्यार बढ़ता है। मीठा बोलने से बोलने वाले के संस्कार भी अच्छे बनते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा अच्छी बनती है, शरीर में प्रसन्नता होने से रोग नष्ट होते हैं आदि, इस तरह के लाभ होते हैं। इनके अलावा आपको कौन से लाभ नजर आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कविता से आगे दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंग का नाम लिखें। संतरा फल का नाम है, इसका रंग नारंगी। बेर जिसका रंग हरा। अंगूर हरा और काला। अनार गुलाबी। पपीता पीला। आलू बुखारा बैंगनी। मीठा होता हलवा ताजा, हलवा किन किन चीजों से बनाया जा सकता है, तो ये आप अपनी मम्मा से पूछकर बता सकते हो। हलवा बनाना हो सबके लिए हमें घी चाहिए। उसके बाद हलवा हमें किस चीज का बनाना है, सूजी का, बेसन का, गेहूं के आटे का, जो भी होगा उसका आटा चाहिए, चीनी चाहिए और फिर उसमें सूखे मेवे। मीठे होते गन्ने गोल, गन्ने से क्या क्या चीजें बनती हैं? गन्ने से एक तो उसका जूस आपने पिया होगा, उसके बाद गुड़, शक्कर, चीनी और मीठी गोली बनती है। बासा की बात, मीठा होता खस्ता खाजा, जैसे मीठी होती पुआ सुहारी, यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा तथा पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मीठा होता खस्ता खाजा और यहाँ पर मीठी होती पुआ सुहारी। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी तरह से प्रयोग करके लिखें। तो यहाँ पर बच्चों ये देखा आपने कि मीठा और मीठी शब्द इनके विशेषता बता रहे हैं,
मिठाइयों की विशेषता बता रहे हैं कि ये मीठी है, ये मीठा है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो आप विशेषण अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना हो तो आप मेरे व्याकरण के इस वीडियो में देख सकते हो। अब चलते हैं आगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी तरह से प्रयोग करके लिखिए। पीला कपड़ा, तो यहाँ पर पीला शब्द कपड़े की विशेषता बता रहा है। मोटा लड़का, मोटी लड़की, पीली पैंट, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा शहर, बड़ी नदी। मीठे होते गन्ने गोल, मीठा होता शक्कर पारा। गन्ने शब्द में एक साथ आधा, ये देखो आधा ने और पूरा ने का प्रयोग हुआ है। इसी तरह शक्कर पारा शब्द में आधा के और के का प्रयोग हुआ है। आप भी इसी तरह के शब्द लिखें, जैसे टक्कर, पन्ना, चम्मच, रसगुल्ला। ऐसे ही दो शब्द बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपने कितना सीखा? अभी तक जो हमने पाठ पढ़े उनमें आपने कितना सीखा, ये जानने के लिए देखते हैं। सही अर्थ पर सही का निशान लगाएं। सरस का अर्थ है रस भरा। लामड़ी का अर्थ है फसल की कटाई। ये कौन से पाठ में से लिया गया है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। उत्साह का अर्थ है जोश। खाजा एक तरह की मिठाई। वस्तुओं का उनके गुण से मिलान करें, जैसे जल ठंडा, वन हरे भरे, फल कच्चा, बूंद नन्ही। घाट और बाट में तुकबंदी है। तुकबंदी करते हुए निम्नलिखित के दो दो शब्द लिखें। तुकबंदी यानी जो उनके अंत के शब्द सेम हो तो वो तुकबंदी जैसा लगता है। तो देश के साथ देश, केश, वेश, तन, मन, धन, इन दोनों के एक एक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। कौए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? तो सबसे पहले तो बच्चों आप मुझे इस पाठ का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ये कौन से पाठ का लिया गया प्रश्न है। कौए ने चिड़िया से कहा कि हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौए की ये बात बहुत पसंद आई और वह जड़ से राजी हो गई। बूंद का मन क्या देखकर पिघल गया? बूंद का मन किसान के उदास चेहरे को देखकर बूंद का मन पिघल गया। ईमान प्लस दार यानी ईमानदार। ऐसे ही दार शब्द जोड़कर शब्द बनाएं। खबर प्लस दार मिलकर बनेगा खबरदार। पहरे प्लस दार मिलकर बनेगा पहरेदार। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। खेलता के साथ तो ये पुलिंग के साथ आएगा। राजू रोज खेलता है। खेलती ये स्त्रीलिंग के साथ, रानी रोज खेलती है। बकरी, सुनील के पास एक बकरी है। बकरियां, सुमित के पास कई बकरियां हैं। ऐसी दो चीजों के नाम लिखें जो गोल व मीठी हों। सोचो बताओ ऐसी दो चीजें कौन सी हैं जो गोल भी हैं और मीठी भी हैं। तो गुलाब जामुन लड्डू, इनके अलावा दो चीजों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। गन्ने से क्या क्या बनता है लिखें। गन्ने से गुड़ बनता है, शक्कर, चीनी, मीठी गोली, गन्ने का रस। इस पाठ को बच्चों एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या ज़्यादा मीठा खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? इस बारे में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपके घर में सबसे मीठे बोल किसके हैं, यानी आपके घर में सबसे मीठा कौन बोलता है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।